सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं। कौन से चैप्टर का? यस, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में जनरली हम सिर्फ 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं गाइज, वो एक क्वेश्चन आता है 3-4 नंबर में, और एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में नहीं आया तो 2 नंबर में पक्का आता है। जनरली चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, प्रीवियस पेपर में भी आप चेक कर लो। बट एक स्पॉइलर अलर्ट यहाँ पे आप लोग को ये किया कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैंने इसका रिवीजन वीडियो बना रखा है। मैंने वन शॉट एक ही वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कराया है, उसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने कराया है। तो पहले जाओ उस वीडियो को देखो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। जब रिवीजन हो जाएगा उसके बाद आना और देन ये वीडियो को देखना। वीडियो भी यही है और मैं भी आपके साथ यही हूँ, ठीक है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, तो पहले स्पॉइलर अलर्ट यही है, जाकर पहले वीडियो देखो एंड देन यहाँ आकर स्टार्ट करना। चलिए बिल्कुल लेट नहीं करते हैं और आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। याद रखना सिर्फ 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हम एग्जाम उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2021 जो मई में होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस में आ चुके हैं, ठीक है, और कुछ अपने एक्सपीरियंस से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर से। और ये जिप जिप लाया हूँ मैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए इस चैप्टर से क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। लॉकडाउन की वजह से जो रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपको देखेंगे, और यही इन्हीं में से आपको एग्जाम्स में आने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपन थोड़ा सा बेसिक से हाई जाएंगे, देखो ज़्यादा टफ नहीं आता कुछ। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है भैया। ये ऐसा मेरे ऊपर मत डाल देना कि सर आपने जो बोला मैं वही पढ़ के गया नहीं आया। सेम वैल्यू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ इससे रिलेटेड और हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए इस साल के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना, वरना पता चला कुछ बच्चे लगे ब्लेम डालने कि सर आपने जो बताया हमने पढ़ लिया वो आया ही नहीं। बच्चा जो मैं बता रहा हूँ उसको तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर रेडी रखना, ठीक है। जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन 15 मीटर वाला आ जाए, बदल सकता है, बट क्वेश्चन इसी टाइप का आएंगे, ठीक है। चलिए अब इन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा है। क्या कह रहा है? अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ वॉल। देखो यार, इस चैप्टर पे अगर आपको कमांड चाहिए, बच्चा पार्टी लोग, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम बहुत ईजिली बन जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन भले समझ में ना आए, बट यार क्वेश्चन पढ़ के अगर आप उसका डायग्राम बना लिए ना, तो उस डायग्राम को 2 बार देखोगे ना तो उसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। तो यार इसका यही अप्रोच है, पहले डायग्राम बनाओ। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि एक वॉल है, तो मैंने एक वॉल बना दिया लाइक दिस, और एक सरफेस बना दिया, ये जमीन है लाइक दिस, ये हमारा जमीन हो गया, ठीक है। ये एक वॉल है, ऊपर से एक लैडर यानी सीढ़ी, एक सीढ़ी लगी हुई है जो कि इस तरीके से, जाहिर सी बात है सीढ़ी हवा में तो होगी नहीं, जमीन से टिकी होगी, और वॉल से वो एंगल बना रही है कितना, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अ लैडर 15 मीटर, जो लैडर है वो 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, और ये है आपका वॉल। तो नेमिंग कर दिया जाए ए बी सी, मतलब आपको गिवन क्या क्या है बच्चा पार्टी लोग, पहले लिख लो गिवन क्वेश्चन का, दैट इज ए सी विच इज इक्वल टू 15 मीटर, और एंगल बी ए सी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए बी विच इज इक्वल टू, आई डोंट नो, अभी कैलकुलेट करना है। तो यार कैसे किया जाए? तो देखो यार ये 90 डिग्री बन रहा है, जाहिर सी बात है बिल्डिंग है सीधी खड़ी होगी, टेढ़ी तो होगी नहीं बिल्डिंग, नहीं तो पता चला कि रहने लगे और बिल्डिंग गिर जाए। तो 90 डिग्री के सामने वाले को अपन क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, और ये एंगल बना है 30 डिग्री, तो इस एंगल के सामने वाले को क्या कहेंगे बच्चा पार्टी लोग, परपेंडिकुलर। बचा क्या, बेस, तो ये हो गया बेस, ठीक है।
तो यार यहाँ पे आपको वॉल की निकालनी है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी नहीं है ना आपके पास, आपके पास हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस का कोई रिलेशन है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, बेस और हाइपोटेनस का कोई रिलेशन है? बेस अपॉन हाइपोटेनस का कोई रिलेशन है? अबे ये कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, याद आया? तो थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री विच इज इक्वल टू बेस कितना है पता नहीं है, हाइट कितना, हाइपोटेनस कितना है 15 है। यहां से आपका बेस कितना निकल आएगा, कॉस 30 डिग्री इंटू 15 डिग्री, तो बेस इज इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू दैट इज रूट 3/2। भैया मैं रिविजन सेक्शन में जाकर देखो, मैंने ट्रिक बताया है सारे थीटास की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री थीटा एंगल्स के वैल्यू का, ठीक है जाकर देखो पहले। तो कॉस 30 की वैल्यू आ गई रूट 3/2 और इंटू 15। तो यार ये कुछ हो सकता है क्या, कुछ कर सकते हैं क्या? 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 15 लिख सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा के तो वही आएगा। तो इसका आंसर आ गया 15√3/2, ठीक है। अब आप ये कर सकते हो, रूट थ्री की वैल्यू पुट कर सकते हो, रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.723 और रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो मैं हमेशा कहता हूँ यार रूट टू और रूट थ्री की वैल्यू तो याद रखा ही करो कम से कम, है ना, इतना तो याद रखा ही करो। तो अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो 15 × 1.723/2, यार अब सॉल्व करके इतना तो कर ही सकते हो, कर लेना। चलिए अब थोड़ा सा लेवल को अप करते हुए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो इसका तो फिगर भी मैंने बना ही दिया यहाँ पे आप लोग के लिए, बट एग्जाम में इस चैप्टर से कोशिश, जानते हो बच्चा पाटिल लोग, इस चैप्टर से डायग्राम वाले क्वेश्चन बड़े कम आते हैं। डायग्राम वाले क्वेश्चन यानी डायग्राम बनाकर आपको दे देगा, परोस देगा आधा काम करके, बहुत कम आते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहेगा, डायग्राम खुद से बनाना रहता है और उसी के नंबर भी मिलते हैं, ठीक है ध्यान रखना उस चीज़ का। तो देखो इन अ फिगर ए बी इज 6 मीटर, कहाँ है भैया ए बी जो है ये 6 मीटर है, हाँ एक पोल है, क्या है ये एक पोल है, सी डी एक लैडर है, सी डी एक लैडर है जो इंक्लाइंड है 60 डिग्री हॉरिजेंटली एंड रीचेस अप टू द पॉइंट डी तक जा रहा है। इफ ए डी इज 2.54 फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, लैडर का लेंथ निकालना है, लैडर का लेंथ निकालना है। तो यार इस ट्रायंगल को क्या मैं, इस ट्रायंगल को क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, दिस इज डी, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज 60 डिग्री, ये स्ट्रेट दिख ही रहा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये एंगल है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ठीक है। अब देखो हाँ, अब हमें पर हमारे पास हाइपोटेनस निकालना है, ये लेडर यही है ना, हाइपोटेनस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये देखो टोटल हमें क्या है, डी बी की वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर की वैल्यू के लिए, पी, परपेंडिकुलर पी इज इक्वल टू डी बी विच इज इक्वल टू हाउ मच, ए बी में से अगर ए डी हम माइनस कर दें, पूरे ए बी 6 में से 2.54 माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा एट इज 3.46 आपका आ गया। अब आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और एंगल का कोई रिलेशन है बे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 3.46 और हाइपोटेनस दैट इज लैडर की हाइट, एच को इधर भेज दो दिया जाएगा 3.46 अपॉन साइन 60, साइन 60। अब जल्दी से बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती, कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 कितना था रूट 3/2, तो साइन 60 क्या होगा, ये हो जाएगा रूट 3/2, है ना। तो अगले स्टेप में 3.46 इंटू ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, है ना। और अगला स्टेप में क्या कर सकते हो, रूट थ्री की वैल्यू पुट कर दो, रूट थ्री की वैल्यू पुट कर दो तो 1.723 या 3.46 इंटू 2, यार अब इसको आप मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर लिखते हैं, ठीक है। और भैया यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है, यानी कि यूनिट लिखना भूल जाए, सब कुछ मीटर में है ना तो आंसर हमारा मीटर में आएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये देखो मीटर में है तो आंसर हमारा मीटर में आएगा, यूनिट भूल गया तो एक नंबर सीधे कटेगा, ठीक है, तो यूनिट जरूर लिख कर आना। चलो दो अगला क्वेश्चन चलते हैं इस चैप्टर से, अगला क्वेश्चन है बच्चा पाटिल लोग देखो ध्यान से, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ओके, देन व्हेन इट्स 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। वाह क्या क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है। अब ये सन है, सन चमक रहा है,
तो सन जब इसके ऊपर पड़ रहा है लाइट, तो इसका शेडो बन रहा है और ये 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है बच्चा पार्टी लोग? 30 डिग्री बन रहा है। फिर ये कुछ देर बाद, जाहिर सी बात है सन का डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होगा तो इसकी शेडो अब 60 डिग्री पे बन गया। अगला यही कह रहा है 60 डिग्री पे है, है ना, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो आपको ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट फाइंड करनी है, इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। और कुछ दिया है, अ शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ओके ओके, और ये जो 40 मीटर दिया है ना बच्चा पार्टी लोग, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, बी से डी तक का डिस्टेंस है 40 मीटर। देखो फिर से पढ़ लेना, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन, साथ ही में व्हेन इट्स 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री के बीच का जो लेंथ है 40 मीटर दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो यार कैसे किया जाए, अगर अपन इसको एक्स मान लेते हैं, मैं हट जाता हूँ तो अच्छे से दिखेगा, अगर अपन इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, तो अपन का दो इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये 30 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस का कुछ रिलेशन है? हैं ऑफकोर्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह पे लिख देंगे टेन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है अपॉन बेस कितना है 40 प्लस एक्स, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू दैट इज 1 बाई रूट थ्री विच इज इक्वल टू हाउ मच, पी अपॉन 40 प्लस एक्स, तो इधर चले जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू पी रूट थ्री, है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ऐसे ही इन ट्रायंगल, अब ए बी सी, अब छोटा वाला जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए डी सी, यहाँ पे बी क्यों लिखा होंगे, ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में यहाँ भी ले लें टेन 60 डिग्री इज हाउ मच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज बेस कितना, इसका बेस कितना, यहाँ से यहीं तक लेंगे ना, एक्स हो गया, तो 1060 की वैल्यू दैट इज रूट थ्री, 1060 की वैल्यू होती है रूट थ्री विच इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स। ओके, इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से अपन पी की वैल्यू, एक्स इधर चला जाएगा तो पी आ जाएगा क्या, एक्स रूट थ्री, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन वन क्या है, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू पी, पी की जगह पुट कर देंगे क्या, एक्स रूट थ्री, तो एक्स रूट थ्री और रूट थ्री तो है, तो ये आ गया 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री एक्स, है ना, ये आ गया। अगेन एक्स को इधर भेज दो तो 40 इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एक्स, तो 40 इज इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 40, ये x x के साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया 20, तो x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20। अब x की वैल्यू जब 20 आ गई तो BC टोटल कितना हो गया, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 40 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 60, ये 60 है। नाउ इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 60, बेस टोटल बेस कितना है इस ट्रायंगल का 60, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाउ मच, 10 30 डिग्री इंटू 60, 10 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू 60। और अपन को ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपन को ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा x की वैल्यू आ गई ना, हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं था, हमें x की वैल्यू कितनी आ गई 20, हमें ये हाइट, बिल्डिंग की हाइट को हमने p माना है ना, परपेंडिकुलर माना है, तो बिल्डिंग की हाइट, अब x की जो वैल्यू आ गई, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट कर दो तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x क्या है 20√3, therefore the height of building is 20√3
3 मीटर, ठीक है, सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कितना मस्त क्वेश्चन था। अब ये देखिए, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखा गया है, काफी बार देखा गया ये क्वेश्चन को एग्जाम में, ठीक है। क्या कह रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहां पे देखो ये गर्ल है 1.2 मीटर की, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजेंटल लाइन एट अ हाइट ऑफ 18.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ओके 60 डिग्री था। After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree हो गया। Find the distance traveled by the balloon during interval। अब ये फिगर तो आपको देखकर समझ में आ गया। अगर मान लो बच्चा पार्टी लोग, ये फिगर नहीं होता तो कैसे बनाते, क्वेश्चन पढ़कर कैसे बनाते फिगर। क्या कह रहा है कि एक पहले तो एक ग्राउंड बना लो, तो ये मैंने एक ग्राउंड बना लिया और यहाँ पे एक लड़की खड़ी कर दी, मैंने एक लड़की खड़ा कर दिया जिसकी क्या है लेंथ, इट इज 1.2 मीटर, ठीक है। अब एक बैलून इसको दिख रहा है, तो ये मैंने एक बैलून बना दिया, ठीक है, पता नहीं ये बैलून की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये एक बैलून है जो कि हॉरिजेंटल से एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, और ये लड़की का आई ऑफ साइट ये हुआ, ठीक है। अब इसको ये बैलून जो है लाइन एट हाइट 18.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से इसकी हाइट जो है 88.2 मीटर हाइट है ग्राउंड से उस बैलून की, फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ये गर्ल का स्ट्रेट है, इसकी आईज से ये एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री, ठीक है, ओके। नाउ द एंगल ऑफ आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस, अब 60 डिग्री इस तरह तो 30 डिग्री कहाँ बनेगा, जाहिर सी बात है इसकी इधर, मतलब अब बैलून चला गया है कहाँ, यहाँ पे, अब बैलून चला गया है कहाँ, यहाँ पे, तो हाइट तो वही रहेगी, हाइट तो 88.2 मीटर तो रहेगी, बस बैलून का एंगल अब कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, है ना, तो 30 डिग्री हो गया। तो करना क्या है, सब कुछ तो है ही अपना। अब अगर इस चीज को ही अगर दिखाने के लिए इसी फिगर को, अगर इस लाइन को अगर मैं इधर नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, तो ये यहाँ से इस हॉरिजेंटल से 60 और 30 बना है, तो यार इस हॉरिजेंटल से भी तो 60-30 बनेगा, क्योंकि लाइन तो हॉरिजेंटल ही है ना, ओके। तो इस तरीके से, अब मैं इस ग्राफ को मिटा, फिगर को मिटा देता हूँ और जो ओरिजिनल फिगर है वो ले आता हूँ, सीख गया ना फिगर बनाना, इसी तरीके से आपको ये फिगर बनाने हैं। मिर्जा भाई मिर्जा, चलिए करते हैं, ओके। अब सबसे पहले क्या 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 फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ओके ओके। तो जो 60 डिग्री से 30 डिग्री हुआ है कुछ टाइम के बाद, तो वो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो देखो यार कैसे निकालेंगे इसको, करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो ये टोटल डिस्टेंस 88.2 मीटर है टोटल हाइट, और गर्ल्स की हाइट क्या है, गर्ल की जो गर्ल खड़ी है उसकी हाइट है 1.2 मीटर। तो अगर मैं टोटल हाइट में से 1.2 माइनस कर दूंगा, तो मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। इसलिए मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ध्यान से ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मुझे अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल गई और ये एंगल है, तो ये मैं बेस यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लूंगा, खत्म काम। सो अपन इसको एक काम करते हैं, इस डायग्राम को हटा ही देते, ये डायग्राम से मजा नहीं आएगा, लाइक दिस। अब देखो फिगर अब अच्छा बन गया है हमारा, है ना, तो पॉइंटिंग भी कर दिया है। अब अपन स्टार्ट करते हैं करना। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले मुझे ए ई डिस्टेंस चाहिए, तो ए ई डिस्टेंस चाहिए, ए ई या बी सी डिस्टेंस चाहिए। ए ई इक्वल होगा बी सी के, और ये ए ई और बी सी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इस पूरे में से यहाँ ये टोटल डिस्टेंस जो है ना, ये टोटल डिस्टेंस दिया है 88.2, और गर्ल का जो डिस्टेंस दिया है कितना दिया है 1.2 माइनस करना होगा। तो इसके लिए 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे, तो 2 में से 2 गया 0, 87 आ गया, 87.0 मीटर आ गया। अब देखो ये कितना, ये एंगल बन रहा था 60 डिग्री यहाँ पे, और ये एंगल बन रहा था 30 डिग्री। तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ ई, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए ओ और ई, ये एक ट्रायंगल में
ये हाइट हमें बेस निकालना है ना, ये बेस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन, तो टेन सिक्सटी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट इज ए ई, ए ई है ना, दिस ए ई परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारा बेस हुआ, तो ए ई की वैल्यू हमारा 87 और नीचे ओ ई लिख देते हैं, है ना, तो यहाँ से आपको ओ ई क्या मिल जाएगा, ओ ई की वैल्यू मिल जाएगा 87 अपॉन 1060 की वैल्यू रूट थ्री, ठीक है, ओ ई मिल गया। ऐसे ही सेम टू सेम इन ट्रायंगल, अब अपन इस बी ओ सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल, जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो 30 डिग्री बन जाएगा, इन ट्रायंगल बी ओ सी में यहाँ भी करते हैं क्या, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी सी दैट इज कितना है 87 है, और ये नीचे वाली हाइट ओ सी, ओ सी तो यहाँ से ओ सी अपना कितना हो जाएगा 87 अपॉन 1 अपॉन रूट थ्री विच इज इक्वल टू 87 रूट थ्री, है ना। अब क्या देखो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैल्यून ड्यूरिंग द इंटरवल, वो यहां से ठीक है कितना चली, नॉट लड़की का, बैलून यहां से यहां कितना चला गया, मतलब अपन को एफडी की वैल्यू निकालना है, तो एफडी क्या हो जाएगा, एफडी या फिर एफडी किसके इक्वल है, ईसी के इक्वल है ना, ये दोनों आपस में है, तो ईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ईसी को क्या लिख सकते हैं अपन, टोटल ओसी में से, ओसी में से अगर अपन ओई माइनस कर दे तो हमें इतना मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा, है ना, तो ओसी हमारा आया हुआ है 87 रूट 3 माइनस ओई है अपना 87 रूट अपॉन रूट 3, तो एलसीएम ले लो रूट 3, तो ये 87 यहाँ रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 3 माइनस ये बच जाएगा 87, है ना। अब यहाँ पे 7 3 21 का 1 कैरी 2 24 25 26 261 माइनस 87 अपॉन रूट 3, मैं यहाँ से हट जाता हूँ आपको दिखेगा अच्छी तरीके से, 261 में से 87 को माइनस कर दो, इट इज 173 अपॉन रूट 3, और 173 को तुम ऐसे तोड़ दो कि रूट 3 में बदल जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आपका जो है वो आ जाएगा। आप यहाँ भी लिखकर आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर और कर लोगे तो सही है, 59 रूट 3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो एक ग्राउंड मैंने बनाया, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग, और इसके सामने ही एक टावर है, दिस इज टावर। अब बिल्डिंग पे टॉप, टॉप का ये स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन है ना, अब ये एंगल बना रहा है, बिल्डिंग की लेंथ दिया है 60 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर बनने वाले एंगल्स को बोलते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे वाले को, इसको बोलते हैं डिप्रेशन एंगल, इसको बोलते हैं एलिवेशन, ठीक है, याद है ना। तो यहां से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर के, टावर के टॉप से बना रहा है 45 डिग्री, है ना, टावर के टॉप से बना रहा है, यानी दिस इज 45 डिग्री, और टावर के बॉटम से बना रहा है, यानी दिस 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, की हाइट फाइंड करनी है, तो नेमिंग कर दिया जाए, ओ ए बी सी और इसको बोलते हैं डी, नेमिंग कर दिया जाए। अब देखो ध्यान से, टोटल 60 मीटर है, टोटल 60 मीटर है, तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ओ बी और सी ट्रायंगल में, तो देखो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो यहाँ पे देखो अपन को क्या निकालना है, अपन यहाँ से अगर बेस निकाल ली, क्योंकि ये जो है ना दिस इज बेस, ठीक है, बी सी और ए सी, ए डी दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल तो हैं, इक्वल भी हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो इस ट्रायंगल में मैं बेस निकाल लेता हूँ, तो मुझे परपेंडिकुलर का रिलेशन चाहिए, तो मैं 1060 के हेल्प लेंगे, 1060 इज हाउ मच परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिया है 60 मीटर और बेस अपना निकालना है,
है ना, तो यहां से आपका बेस निकल जाएगा 60/1060, ठीक है, 60/1060 की वैल्यू √3, तो ये आ गया आपका बेस। नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन से ट्राइंगल का यूज करते हैं अपन, इन ट्राइंगल ओ ए डी, इस ट्राइंगल को ओ ए और डी, इस ट्राइंगल को निकाल लेते हैं। तो ओ ए डी ट्राइंगल में रिलेशन क्या बना है, इसमें भी मैं इसी का रिलेशन बनाऊंगा, मुझे OD/AD का रिलेशन, तो मुझे OD/AD चाहिए। तो OD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan, तो tan 45 degree विच इज इक्वल टू OD/AD, ठीक है। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू OD हमें पता नहीं है और AD हमें पता है, अभी हमारा जो बेस है ये क्या है, ये AD तो है, AD तो है क्योंकि AD और BC आपस में इक्वल है ना, तो 60√3, तो OD की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 60√3, ये आ गया। अब देखो ये टोटल हाइट में से, ये टोटल हाइट में से अगर मैं OD हाइट माइनस कर दूं तो मुझे ये हाइट मिल जाएगा ऑफकोर्स, और ये हाइट जो है वही तो टावर की हाइट है ना। तो मुझे अब देखो AB निकालने के लिए, टावर की हाइट AB निकालने के लिए मुझे OC में से OD माइनस करना पड़ेगा, OC में से OD माइनस करना होगा। OC कितना है हमारा, OC टोटल 60 है और OD हमारा कितना आया, OD हमारा आया 60/√3, ठीक है। तो √3 LCM ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 60√3 - 60, तो यहाँ से 60 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा √3 - 1/√3, लाइक दिस, है ना। और इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जैसे 60 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 20 लिख सकते हैं और ये √3 - 1 रहेगा √3। तो एक कोई भी नंबर दो रूट से मिलकर बनता है ना, तो इस √3 से इसका एक √3 कट जाएगा तो आ जाएगा क्या, 20√3 ब्रैकेट में √3 - 1, है ना। इसको और सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ये इसको अंदर से मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई हो करो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो 20√3 × √3 से करोगे तो 20√3 √3 ये हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 20√3, तो ये आ गया 60 - 20√3 meter, ये आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ कॉमन ले सकते हो, जैसे 20 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, 20 कॉमन ले लोगे तो 20√3 - √3 meter, है ना, निकल गया आपका आंसर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 meter टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 meter टॉल बिल्डिंग। तो ये एक टॉल बिल्डिंग है, कितना 30 meter की टॉल बिल्डिंग है। अ 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 meter टॉल बिल्डिंग, ठीक है। अब बंदा खड़ा, अगर ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का ये हो गया बेस, बिल्डिंग का ये हो गया बेस, ये रहा वो बंदा, इसकी हाइट कितना है, इसकी हाइट है 1.5 meter, ये रहा बंदा। अब ये जो बंदा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 degree to 60 degree। 30 degree मतलब ये देखो, अगर इसकी आई ऑफ साइट ये होती है ना, तो यहाँ से अगर ये एंगल कितनी है, 30 degree बन रहा है, तो 60 degree बनने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, ये थोड़ा सा आगे आएगा तब तो एंगल ऊपर बनेगा, इस तरीके से एंगल ऐसा बनेगा, एंड जब ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, मतलब ये आगे की, इससे क्या समझ में आया कि 30 degree से 60 degree अगर चाहिए तो आप जितना पास जाते होगे एंगल उतना बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ आते आते 90 हो जाएगा, है ना। तो ये बंदा यहाँ से यहाँ तक चला है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अब इस फिगर को हम कैसे बना सकते हैं, इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखो कैसे, लाइक दिस, है ना, दिस इज 60 degree, दिस इज 30 degree, ओके, ये अगर ए है, ये बी है, है ना। अब ये देखो, ये मुझे ये हॉरिजेंटल चाहिए ना, मुझे ये हाइट चाहिए, यहाँ से यहाँ चाहिए, क्योंकि ये बी नहीं, ए बी मैं बनाऊँगा, ए बी सी डी, तो अगर 1.5 मीटर में माइनस कर दूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिल जाएगी टोटल 30 में से, तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग में से 1.5 माइनस कर दोगे तो
29 और 30, 28 पॉइंट कितना माइनस करना है, 128.5, ठीक है, ये आ गया। अब नहीं निकाल लोगे, पुराना जैसा क्वेश्चन जैसे हो गया, पुराना क्वेश्चन जैसे हो गया, है ना। अब क्या करना है, क्या किया जाए, अपन ये हाइट निकालनी है। तो जो बैलून वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, कैसे निकाला जाए, पहले अपन ले लेते हैं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी डी, है ना, इस ट्रायंगल को लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर अपने पास हैं, ये बेस चाहिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का बी डी, तो देखो क्या बनेगा, टेन सिक्सटी का रिलेशन बनाते हैं। टेन सिक्सटी क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस दैट इज बी डी। तो परपेंडिकुलर है 28.5, बी डी हमें निकालना है। टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री होती है, तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28.5 अपॉन रूट थ्री, है ना। चलिए ये हो गया हमारा वन। अब अपन दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, है ना, अब बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल को। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर अपने पास हैं और बेस का रिलेशन बनाते हैं, तभी तो उसका भी बेस और इसका भी बेस दोनों मैच कर जाएगा, तो अपन माइनस करके निकाल सकते हैं। तो फिर से टेन थर्टी की हेल्प लेते हैं, तो टेन थर्टी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डेट इज ए बी अपॉन बेस डेट इज बी सी। तो ए बी है 28.5, बी सी हमें पता नहीं है, तो बी सी रखता हूँ, तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5, टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा 28.5√3 मीटर, और ये लाइक दिस। अब देखो बी सी में बी डी है, आपके पास टोटल बी सी है और बी डी है, तो मुझे सी डी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना चला, सी डी की वैल्यू चाहिए मुझे। तो सी डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सी डी की वैल्यू निकालने के लिए बच्चा लोग, सी डी की वैल्यू निकालने के लिए कितना वो चला यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए क्या करेंगे, बी सी पूरे में से इतना माइनस कर देते हैं, तो बी सी में से बी डी माइनस कर देते हैं, तो बी सी कितना है, टोटल बी सी हमारा आया है 28.5√3 माइनस बी डी कितना है, 28.5/√3, है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं रूट थ्री का, तो इधर 28.5√3 × √3 आ जाएगा, माइनस 28.5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू हाउ मच, √3 × √3 3 हो जाएगा, है ना। तो √3 यहीं रहन देते हैं, 28.5 × 3 हो जाएगा माइनस 28.5, तो ये क्या आ जाएगा, 28 ये आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 57, और ये अपन √3। 57 में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि √3 √3 ऐसा कुछ कट जाए, यस 57 19 × 3 होता है क्या, 57/√3, तो एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कट जाएगा, बच जाएगा क्या, 19√3 बच जाएगा मीटर। यही तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो गाइज ये जो मैंने आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराए हैं इस चैप्टर से, ऐसे ही आसान ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले आपको ड्राइंग बनाना है। क्वेश्चन पढ़ते ही अगर डायग्राम बना लिए, और डायग्राम को तो समझना बहुत आसान होता है, तो क्वेश्चन पढ़ो डायग्राम बनाओ, ठीक है, और डायग्राम के अकॉर्डिंग जो जिस तरीके से मैंने आपकी प्रैक्टिस कराई है बस सॉल्व करो, क्वेश्चन बन जाएगा आपको। अब ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो कर ही लेना, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है, और मन करे तो एक दो क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी साइड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी पढ़ो बस हो गया, साइड बुक वगैरह उतना मत जाओ उधर, एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करो, टाइम बचे तो साइड बुक में जाना, एनसीईआरटी बेस्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पे बात कहेंगे अपन, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।